न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बदलाव का संकल्प, बहन श्रुति चौधरी और अभिमन्यु राव ही विकल्प। मेरा अभिमान मेरा अभिमन्यु, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से अभिमन्यु राव। एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन के बैनर तले पिछले एक सप्ताह से पंचकूला में आमरण अनशन पर बैठे लेक्चरर्स ने अब उग्र रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते आज रेवाड़ी के राजकीय महिला महाविद्यालय में सामने गुस्साई एक्सटेंशन लेक्चरर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूका तथा काले बिल्ले लगाकर जोरदार रोष प्रदर्शन किया। वहीं जोरदार नारेबाजी करते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे उग्र रूप धारण कर लेंगे और सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 सालों से लगातार जाब कर रहे हैं तथा यूजीसी के सभी नॉर्म्स भी पूरा करते हैं, मगर फिर भी सरकार उन्हें मात्र 25,000 वेतन के रूप में देती है, जो कि ना काफी है। इसके अलावा करीब 75% महिला लेक्चरर है, लेकिन उन्हें मातृत्व अवकाश भी नहीं मिलता। सरकार को चाहिए कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी देने के साथ साथ मातृत्व अवकाश भी दिया जाए, वहीं समान काम समान वेतन भी लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके साथी लेक्चरर पिछले 7 दिनों से पंचकूला में आमरण अनशन पर बैठे हैं, अगर अब भी सरकार ने इस पर गौर नहीं किया तो वे इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज हमने हरियाणा गवर्नमेंट का पुतला फूका है, क्योंकि हमारे जो साथी हैं एक्सटेंशन साथी वो काफी टाइम से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। क्या कुछ डिमांड्स हैं कि जिस प्रोटेस्ट किया गया आज? डिमांड्स तो मैडम बता दें, हमारी पहली डिमांड है हमारी जॉब सिक्योरिटी की, क्योंकि ट्रांसफर डेपुटेशन आते ही हम लोग कॉलेज से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वर्कलोड का बहाना बना दिया जाता है और हमें बाहर बिठा दिया जाता है। 7-8 सालों से हम जॉब कर रहे हैं और एक मिनट में कोई ट्रांसफर डेपुटेशन आया और हम लोग बाहर बैठ जाते हैं। तो पहली डिमांड तो हमारी जॉब सिक्योरिटी की है। दूसरी डिमांड है हमारी इक्वल पे इक्वल वर्क की, क्योंकि हम लोग यूजीसी के सभी नॉर्म्स को पूरा करते हैं, उसके बावजूद भी हमें 25,000 सैलरी दी जा रही है, जबकि गेस्ट पीजीटी को 36,000 सैलरी दी जाती है और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कॉलेज में लगाए गए हैं जो सी ग्रेड में आते हैं उनकी सैलरी भी 35,000 से ज़्यादा है। तो हमारी दूसरी डिमांड यही है कि हमें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। तीसरी हमारी डिमांड है कि 75% तक जो लेडीज हैं वो लगी हुई हैं और हमें आज तक भी मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक लेडीज के लिए माँ बनना गौरव की बात होती है और हमें मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता। तो हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि हमारी हमें मातृत्व अवकाश दिया जाए। आज ये पुतला फूका गया, ये पुतला इसलिए फूका गया क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, हमारे जो साथी एक्सटेंशन लेक्चरर है वो अनशन पर बैठे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम सब काला बिल्ला लगाकर 8 दिन से कॉलेज में आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। रोज कोई ना कोई प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यदि हमारी सुनवाई नहीं की गई तो एक्सटेंशन लेक्चरर उग्र रूप धारण कर लेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज पुतला फूका, आज हमने सीएम का पुतला फूका है, आगे भी ऐसी होता रहेगा। थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूंगी पहले कि एक्सटेंशन लेक्चरर हैं कौन, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि एक्सटेंशन लेक्चरर्स क्या हैं और ये क्यों अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी हिरार्की है टीचर्स की वो स्कूल लेवल पर सबसे पहले पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो स्कूल लेवल के ऊपर पढ़ाते हैं और हम कॉलेज लेवल के ऊपर पढ़ा रहे हैं। और 2 यहाँ पर ग्रुप हैं, एक तो परमानेंट है जो हमारा रेगुलर स्टाफ है और एक हमें लगाया गया है जिनको ये पहले पर पीरियड के हिसाब से पैसे देते थे। उसके बाद हमारे विरोध प्रदर्शन के बाद गवर्नमेंट ने 25,000 रुपए हमारे फिक्स कर दिए। लेकिन आप डिफरेंस को देखिए, जो हमारा रेगुलर स्टाफ है उनको स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है 60,000 रुपए और हमें ये दे रहे हैं 25,000 रुपए। और जैसा मैडम ने बताया कि मैटरनिटी लीव हमारे पास नहीं है, तो क्या सिर्फ जो रेगुलर स्टाफ मेंबर है सिर्फ वही ही औरतें मानती है सरकार, उनकी नजर में वो औरतें हैं, और जो एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं क्या सरकार सोचती है कि वो औरतें नहीं है? आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार सुनती होगी। आगे जो हमारी रणनीति है, एक तो जो हमारी कार्यकारिणी बैठक हमें बताएगी हम उसके हिसाब से काम करेंगे, और दूसरा महापड़ाव डालने के लिए हम जा रहे हैं, हम सब हमारे सारे फैमिली मेंबर्स और हम सब अनशन पर बैठ जाएंगे अगर हमारी सरकार बात नहीं सुनती।